Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the last topic of renal pathology, that is renal cancer. हमने renal के लगभग सभी topics जो हैं वो complete कर लिए हैं. तो हमारा last topic renal के अंदर बचा है renal cancer. वैसे भी जितने भी हम systems पढ़ते हैं उनमें लगभग सभी सिस्टम्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक होता है वो कैंसर का ही टॉपिक होता है. तो रीनल में भी हमारे कैंसर का टॉपिक पढ़ना है. बाकी चीज़ें हमने कर ली है. तो रीनल कार्सिनोमा के बारे में सुनिए. द टू मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द किडनी आर एडिनो कार्सिनोमा एंड विल्म्स ट्यूमर. देखिए बच्चों, जो विल्म्स ट्यूमर है ये बच्चों के अंदर होता है. 2 साल के छोटे बच्चों के अंदर रीनल कैंसर हो रहा होता है उसको अपन विल्म्स ट्यूमर कहते हैं. ये डेफिनेशन जो मैंने बोली है पूरी या ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है रीनल कार्सिनोमा का वो आप नोट कर लीजिएगा. द टू मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द किडनी आर एडिनो कार्सिनोमा एंड विल्म्स ट्यूमर. नाउ रीनल सेल कैंसर जिसको अपन किडनी कैंसर या रीनल एडिनो कार्सिनोमा भी कहते हैं, ये डिजीज़ है जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो है वो किडनी में ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में पाई जाती है. तो देखो इंट्रोडक्शन से पता चल रहा है कि हम इसमें एडिनो कार्सिनोमा पढ़ने वाले हैं, विल्म्स ट्यूमर नहीं पढ़ने वाले हैं. इसने मैंने विल्म्स ट्यूमर के बारे में पहले ही आपको बता दिया और जो बता दिया वो आप नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपन केवल रीनल सेल कार्सिनोमा का ही पढ़ेंगे. अब ये क्यों हो जाता है भाई रीनल कैंसर? तो हमें एग्जैक्ट कॉजेज़ इसके नहीं पता हैं, पर फिर भी उम्र, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन ये सब इसके फैक्टर्स माने जाते हैं. उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किडनी कैंसर के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं. स्मोकिंग जो कि बहुत बड़ा कारण है किडनी कैंसर का नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में, रिस्क जो है वो अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो ये कैंसर, इस कैंसर के रिस्क भी कम हो जाते हैं. ओबेसिटी, जो ज़्यादा ओबेस होते हैं उनमें ज़्यादा कैंसर के चांसेस हैं उनके कंपैरिजन में जो कि एवरेज वेट के लोग होते हैं. इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं तो किडनी कैंसर के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी से. तो ये नेक्स्ट फैक्टर है. इसके अलावा किडनी फेलियर का जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है और या फिर लॉन्ग टर्म डायलिसिस जो लोग ले रहे होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के लिए, उनमें किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फैमिली हिस्ट्री तो जेनेटिक्स तो सबके अंदर है ही, सभी में पढ़ा रही हूँ मैं ये. इसके अलावा कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर में जो लोग रहते हैं जैसे एस्बेस्टॉस, कैडमियम, बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ हर्बिसाइड्स, टोबैको, हैवी मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एस्ट्रोजन थेरेपी वगैरह इसके फैक्टर्स होते हैं. बीइंग ब्लैक, द रिस्क इन ब्लैक्स इज स्लाइटली हायर देन इन वाइट्स. भाई जो ब्लैक पीपल हैं उनके अंदर इसके थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं. हालांकि क्या कारण है हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, पर फिर भी चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं. या फिर जिनको लिम्फोमा रहता है उनके भी रीजंस हमें नहीं पता है, पर उसमें किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब हम इसके स्टेजिंग पढ़ें एक बार. उससे पहले मैं आपको इटियोपैथोजेनेसिस बता देती हूँ कि भाई ये जितने भी अपन ने फैक्टर्स पढ़े हैं ये सारे सारे फैक्टर्स जो हैं रीनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर ग्रोथ को कॉज करवा देते हैं. और ये अनइंटरप्टेड ग्रोथ उसमें अगर चल रही होती है तो वो आसपास के ऑर्गन्स को भी कंप्रेस कर देती है और फिर इसका मेटास्टासिस भी हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो. लीवर, बोन, स्किन, स्प्लीन और ब्रेन में चला जाता है. तो ये 4 पॉइंट्स है जिसको आपको एरो एरो बना करके लिखना है. मैं बोल के बता देती हूँ आप कैसे इसको इटियोपैथोजेनेसिस को लिखेंगे. टोबैको एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस, कॉमा कॉमा करते जाइए इनके अंदर, टोबैको कॉमा एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस, हैवी मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एस्ट्रोजन थेरेपी, हेरिडिटरी, हाइपरटेंशन एंड सो ऑन. एरो लीड्स टू ट्यूमर ग्रोथ इन द रीनल कॉर्टेक्स. एरो uninterrupted growth tends to compress adjacent organs, that is renal carcinoma, growth of renal carcinoma. Arrow lead to metastasis to liver, bone, skin, spleen and brain.
अब आएगा स्टेजिंग। स्टेजिंग में वैसे तो एक्चुअली अपन डायग्राम बना रहे होते हैं कि आप चार किडनी के डायग्राम बनाएंगे, ऊपर के फर्स्ट टू डायग्राम्स ग्रोथ ऑफ ट्यूमर हेडिंग के साथ आएंगे और लास्ट टू डायग्राम मेटास्टास ऑफ ट्यूमर बताएंगे। इसमें फिर आपको क्या करना है, किडनी का डायग्राम बनाना है, उसके बीच में गोला बनाना है। किडनी का जो नीचे की विड्थ होती है, उसके नीचे के पार्ट वाली विड्थ, वो 7 सेंटीमीटर होती है। तो वो आपको बतानी है कि 7 सेंटीमीटर में पहले जो गोला है वो उससे छोटा है, फिर ये कैंसर बढ़ता जा रहा है और वो गोला बढ़ता जा रहा है 7 सेंटीमीटर से भी बड़ा, फिर मेटास्टासिस होकर के आसपास उसको ट्यूमर को आपको फैलाते हुए दिखाना है। तो स्टेज वन के अंदर ट्यूमर जो है वो 2.5 इंचेस यानी 7 सेंटीमीटर तक डायमीटर तक ही हो पाता है और किडनी में ही रहता है। स्टेज सेकेंड के अंदर ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है स्टेज फर्स्ट के कंपैरिजन में, पर अभी भी ये किडनी तक ही है। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट टू स्टेज में तो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर आएगा और लास्ट टू स्टेज में मेटास्टासिस आएगा। स्टेज थर्ड के अंदर ट्यूमर एक्सटेंड कर रहा है किडनी से बियॉन्ड सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है और आसपास के लिम्फ नोड में भी ये जा सकता है। जबकि स्टेज फोर्थ के अंदर किडनी से बाहर चला जाएगा, मल्टीपल लिम्फ नोड्स को कवर कर लेता है और बॉडी के डिस्टल पार्ट जैसे कि बोन, लीवर, लंग्स में भी फैल जाएगा। तो ये स्टेजेस बताते हुए आपको डायग्राम बताना है। अब साइन सिम्टम देखिए भाई, हीमेट्यूरिया हो जाता है, एब्डोमेन या साइड में आपको लंप जैसा फील होगा, किडनी के एक्चुअल किडनी के ऊपर ना पैल्पेबल, उस किडनी में पैल्पेबल आपको दिखाई देता है, वो आराम से आप महसूस कर सकते हो, और उस साइड पेन भी रहने लगेगा, वेट लॉस भी है। हालांकि हमें नहीं पता चल रहा है कि वेट लॉस क्यों हो रहा है, पर फिर भी वेट लॉस अगर आपको दिखाई दे रहा है, बुखार चढ़ रही है कुछ हफ्तों से, ठंड या दूसरे इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है, एक्सट्रीम थकावट महसूस हो रही है पर्सन को, एनीमिया, एनीमिया सभी कैंसर में होता है भाई, ये ध्यान रख लीजिएगा। एंकल्स और लेग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, किडनी कैंसर जो है दूसरे पार्ट्स में अगर स्प्रेड कर जाए तो सिम्टम्स में जैसे सांस उखड़ सी जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, खून की खांसी आना शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, और फीवर तो हम बोल ही चुके हैं, हीमेट्यूरिया बोल चुके हैं, और मैंने जो कहा पैल्पेबल मास, तो उसमें आप लिख लीजिएगा स्मूथ फर्म नॉन टेंडर मास पैल्पेबल ओवर द अफेक्टेड किडनी। आप टेस्ट और डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ब्लड और यूरिन टेस्ट कर सकते हो आप, तो आपको क्ल्यू मिल जाएगा, साइन सिम्टम से क्ल्यू मिल जाता है, आप ये टेस्ट कर लीजिए। इमेजिंग टेस्ट के अंदर डॉक्टर जो है वो किडनी ट्यूमर को या किसी तरह की एबनॉर्मलिटी को विजुअलाइज करते हैं अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से या एमआरआई से, या किडनी टिश्यू का भी आप सैंपल लेकर देख सकते हैं बायोप्सी के थ्रू, हालांकि रेयर केसेस में ही ऐसा बोला जाता है। सस्पिशियस एरिया जो किडनी को होता है वहाँ से अपन सैंपल लेते हैं और लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, तब जब अपने कैंसर के साइन दिख रहे हैं, या इंट्रावीनस पाइलोग्राम आप करवा सकते हैं, एक्सरे इन्वॉल्विंग एक्सरेइंग द किडनी आफ्टर द डॉक्टर इंजेक्ट्स अ डाई दैट ट्रैवल्स थ्रू द यूरिन ट्रैक्ट। एक डाई इंजेक्ट की जाती है जो कि यूरिन ट्रैक्ट में ट्रैवल कर जाती है, तो वो उस ट्यूमर को हाईलाइट कर देगी, आप एक्सरे उसके बाद लेकर के देख सकते हो, इसको IVP कहा जाता है। प्रिवेंशन, तो हमने कहा स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा कारण है, तो आप स्मोकिंग को जो है वो प्रिवेंट कर दीजिए, अगर आप बंद कर देते हैं तो, और सपोर्ट प्रोग्राम्स आप चलाते, दवाइयाँ वगैरह, निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स जो है वो लिए जाते हैं, तो चांसेस के जो है वो कम हो जाएंगे। हेल्दी वेट आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप ओवरवेट या ओबेस पर्सन हैं तो कैलोरीज़ को कम करिए, हर एक दिन की कैलोरी को, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, अपने डॉक्टर से पूछते रहिए दूसरे हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो जो कि आपके वेट लूज में हेल्पफुल हो, तो ये कैंसर को, किडनी कैंसर के चांसेस को कम करता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करिए डॉक्टर से बात करते हुए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज, वेट लॉस के थ्रू, डाइट के थ्रू, कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं बीपी को कम करने के लिए। बस आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। LFT आप लिख लीजिएगा डायग्नोस में, LFT भी करवा सकते हो, रीनल एंजियोग्राफी भी आप करा सकते हो, CBC करवा सकते हो, सिस्टोस्कोपी करवा सकते हो, ये चीज़ें लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।